हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी चैनल। दोस्तों, एफएससी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये मॉक टेस्ट लेकर चल रहा हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी के लिए। जैसा कि इसके पहले फिजिक्स का करवा दिया गया है टोटल 10 पार्ट में, और हर एक वीडियो में 25 क्वेश्चन आपको दिए गए थे, और ये चलेगा लगभग जीव विज्ञान के सारे प्रश्न होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी भी फिलहाल में जो ट्रेंडिंग चल रहा है सरकार के खिलाफ, कि आखिर एसएससी रेलवे के स्टूडेंट्स जो भी हैं रोजगार के मामले में, तो आप इस पे स्टैंड कीजिए और जाकर सपोर्ट कीजिए ट्विटर से लेकर, फेसबुक से लेकर, यूट्यूब से लेकर, हर एक सोशल मीडिया पे, क्योंकि इस चीज़ को मीडिया अपने हमारे टेलीविज़न पर दिखाने वाली नहीं है, और हमें और आपको सपोर्ट करना है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाइए, जल्द से जल्द हम लोग के लिए सुनवाई हो। क्योंकि दोस्तों, अभी कल ही से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं और अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई भी अनाउंस नहीं हुआ है कि क्या करना है। जैसे लग रहा है कि मतलब उन सबको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, हालांकि ट्रेंडिंग वन पे चल रहा है ट्विटर पे। तो स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए लार ग्रंथि, बी थायराइड, सी यकृत, या डी आमाशय। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस हैं और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीधे सीधे ये सवाल उठा लिए जाते हैं। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यकृत। दोस्तों, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है लार ग्रंथि से, जैसे कि लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन एंजाइम। इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, पूछ रहा है मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी रिलैक्सिन, या डी सभी कथन सत्य हैं। तो जब भी मादा जनन अंग से हार्मोन का स्राव पूछेगा, तो राइट आंसर दोस्तों जो होगा वो होगा रिलैक्सिन। क्वेश्चन नंबर थ्री है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए सेरिब्रम, बी थायराइड, सी सेरिबेलम, या डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा। और दोस्तों, यदि आप इसी टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो बताया गया है कि आप अपने रोजगार के लिए सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि आपको पता है ना ही रिजल्ट आ रहे हैं, ना ही टाइम से विज्ञप्ति आ रही है। रेलवे का आपको पता होगा कि कब से फॉर्म फिलअप किया गया है और उसकी फीस कितनी थी, लेकिन अभी तक कोई, यहाँ तक इन सबको केवल बहाना है कि अभी कोई टेंडर ही नहीं ले रहा है, कोई एजेंसी नहीं मिल रही है। ये कौन सी बहाना होता है दोस्तों, ये बताइए। हम लोग इसी तरह बेरोजगार रहेंगे तो हम लोग के खिलाफ कौन लड़ेगा? तो आज हम लोग को एक साथ होकर, सभी लोगों को, YouTube चैनल के सभी टीचर्स आप लोग देख रहे होंगे, सभी लोग इकट्ठा होकर अपने चैनल के माध्यम से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप भी स्टैंड कीजिए। दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर फोर है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, यानी कि टेम्परेचर। ये भी पूछ सकता है कि शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए है स्पाइनल कार्ड, बी सेरिबेलम, सी हाइपोथैलमस, सी या डी पिट्यूटरी। जब आप ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे तो वहीं से इस चीज़ को आप बड़े आसानी से देख सकते हैं, और जो भी स्टूडेंट पढ़े होंगे बड़े आसानी से इसका जवाब भी दे सकते हैं। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाइपोथैलमस। क्वेश्चन नंबर फाइव है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए कूटपाद, बी कोशिका मोह, सी सीलिया, या डी गुदा द्वार। तो जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है अमीबा में, वो होता है कूटपाद के द्वारा। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था, बड़े आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी टाइलिन, एंजाइम में टाइलिन हर एंजाइम पाया जाता है। अब दोस्तों, मैं ट्रिप्सिन को भी बता दूं कहां पे पाया जाता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो है छोटी आंत में पाया जाता है और भोजन को पचाने में हेल्पफुल होता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। पेप्सिन की बात करें तो ये आमाशय में जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है, और दोस्तों ये अम्लीय
माध्यम के द्वारा जैसे क्रिया करके यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, पेप्सिन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है। ऑप्शन ए श्वसन, बी श्वासोच्छ्वास, सी प्रश्वास या डी निःश्वसन। तो दोस्तों इस चीज को बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही उलझाऊ होते हैं और इस प्रक्रिया को छोड़ना और ग्रहण करना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं? ऑप्शन ए अमीनो अम्ल, बी ग्लूकोज, सी वसा अम्ल या डी सुक्रोज। दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? ऑप्शन ए किण्वन, बी विसरण, सी दहन या डी प्रकाश संश्लेषण। तो आप ऑप्शन नंबर डी तो जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाएंगे, और किण्वन भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह से दोस्तों यदि आप ढूंढेंगे तो राइट आंसर जो होगा वो होगा विसरण। प्रश्न नंबर 10 है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? ऑप्शन ए विघटन, बी दहन, सी परिवर्तन या डी संश्लेषण। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति को विघटन कहते हैं। राइट आंसर होगा विघटन। प्रश्न नंबर 11 है, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, बी स्टार्च, सी सुक्रोज या डी प्रोटीन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सुक्रोज। दोस्तों ये सारे मॉक टेस्ट में जो भी दिया जा रहा है क्वेश्चंस, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं और एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यही सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर एक स्टूडेंट एग्जाम में गलती कर देता है, और एक दो क्वेश्चन से तीन क्वेश्चन गलत हो जाने से एक एक पॉइंट से सिलेक्शन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 12 है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? यहाँ पे एक ऑप्शन छूट गया था, तो ऑप्शन ए 19/60, 120/80, 200/130 या 140/160। तो जो ब्लड प्रेशर है आप इस स्फिग्नोमैनोमीटर से इसको मापा जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो रक्तचाप जो स्वस्थ मनुष्य का होगा वो 120 से 80 होगा। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन किया जाता है तो यदि क्वेश्चन टफ लेवल का है तो सभी के लिए होता है, और सिलेक्शन ना होने का मात्र एक ही ज़्यादा रीज़न सभी स्टूडेंट्स के लिए बनता है, वो ये बनता है कि आप इजी क्वेश्चन यदि गलत करके आएंगे तो 100% आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन यदि आपके टफ क्वेश्चन सही होते हैं या गलत होते हैं तो उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें गलत नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट के, इसलिए ये सारे मॉक टेस्ट करवाता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? ए पिया मीटर, बी मीटर, सी ड्यूरा मीटर या डी एरेकनॉइड। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को ड्यूरा मीटर होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपसे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क का जो वजन होता है वो कितना होगा। एक चीज आपको इसी से रिलेटेड एक आंसर दे देता हूँ कि जो मनुष्य की शरीर होता है उसके वजन का 2% होता है, लेकिन एग्जैक्ट वजन कितना होगा ये आप बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए ऑप्टिक पाली, बी घ्राणेन्द्रिय पाली, सी सेरिब्रम या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी घ्राणेन्द्रिय पाली।
क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। ऑप्शन ए सेरिबेलम, बी हाइपोथैलमस, सी सेरिब्रम या डी स्पाइनल कार्ड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेरिब्रम। प्रश्न नंबर 16 है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। ऑप्शन ए सोमैटोस्टैनिन के कारण, बी ग्लूकागन के कारण, सी गैस्ट्रिन के कारण या डी इंसुलिन के कारण। अब आपको हिंट दे देते हैं कि इसी के कमी से मनुष्य को डायबिटीज रोग भी हो जाता है। आप समझ सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन के कारण। प्रश्न नंबर 17, ऑक्सीजन है। ऑप्शन ए वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी एंजाइम या डी हार्मोन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम। राइट आंसर एंजाइम। अब दोस्तों बता दें एंजाइम क्या होता है। यहाँ पे देखिए, एंजाइम प्रोटीन है जो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। वे एक दूसरे से जुड़े और अमीनो एसिड के एक या अधिक लंबी श्रृंखला से बने होते हैं। वे रासायनिक प्रतिक्रियाओं को गति देते हैं। तो आप समझ सकते हैं राइट आंसर इसका। प्रश्न नंबर 18 है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। ऑप्शन ए पोषण, बी उत्सर्जन, सी श्वसन या डी सभी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्सर्जन। जैव प्रक्रम के अंतर्गत उत्सर्जन राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 है, गोबरछत्ता किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए परजीवी, बी स्वपोषी, सी मृतजीवी या डी परासरणी। तो गोबरछत्ता जो है वो मृतजीवी के अंतर्गत आता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। प्रतिशत पूछ रहा है। ऑप्शन ए 78%, बी 21%, सी 4% या डी 0.03%। तो ऑप्शन ए आपको पता होगा नाइट्रोजन का है 78%। डी ऑप्शन सही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.03%। प्रश्न नंबर 21 है, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहेंगे। ऑप्शन ए हेलियोफाइट्स, बी थियोफाइट्स, सी सियोकाइट्स या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो छाया में पनपेंगे उन सभी पौधों को हम लोग सियोकाइट्स बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 22 है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। ऑप्शन ए फेफड़ा, बी नाक, सी ट्रैकिया या डी क्लोम। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे ऑप्शन बी में, ए में। तो राइट आंसर दोस्तों जो होगा वो होगा फेफड़ा। आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए डायरिया, बी टीबी, सी निमोनिया या डी बी और सी दोनों। तो बड़े आसानी से इसका आंसर समझ गए होंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और सी दोनों। निमोनिया और टीबी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। प्रश्न नंबर 24 है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, बी पक्षाघात, सी हाइपरटेंशन या डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए हाइपोटेंशन और सी हाइपरटेंशन। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसी में कंफ्यूजन हो जाता है और जल्दीबाजी में ऑप्शन ए पे भी टिक हो सकता है। हालांकि राइट आंसर होगा हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन नहीं, हाइपरटेंशन। और आज का लास्ट क्वेश्चन 25, जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं। ऑप्शन ए अरस्तु, बी फ्लेमिंग, सी रॉबर्ट ब्राउन या डी लैमार्क। तो जीव विज्ञान के पिता को या जनक हम लोग अरस्तु को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों अपना मार्क्स जरूर शेयर कीजिए, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कितने गलत और क्या इसमें आपको नया जानने को मिला। और साथ ही दोस्तों आप सपोर्ट कीजिए, इस टाइम जो चल रहा है ट्रेंडिंग में है हम लोग को रोजगार के खिलाफ आवाज है जो, आप लोग सोशल मीडिया पर उसको सपोर्ट कीजिए। इसके साथ ही दोस्तों आज की वीडियो समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।